नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार का रहेगा। इसकी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो दर्शकों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। देखिए, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को देख लेते हैं। इस महीने ग्रह स्थितियाँ किस प्रकार की रहने वाली है। एक बात दर्शकों, ये वीडियो आप मिथुन राशि के हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आपका मिथुन लग्न है तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। आप पर ये घटनाएं होते हुए प्रतीत होंगी। सबसे पहले तो देखिए, इस महीने आपके लग्नेश बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वहाँ पर सूर्य के साथ उनकी उपस्थिति रहेगी, जहाँ पर वो आपके लिए थोड़े से काम को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि देखिए वक्री रहने वाले हैं और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जिस कारण काम का आपको लाभ भी अच्छा मिलने वाला है। वहीं दर्शकों, इस महीने एक बड़ा परिवर्तन यह भी होने वाला है कि 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। गुरुदेव वक्री होंगे तो वो बहुत बलवान हो जाएंगे और आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि अभी राहू के साथ वो दूषित अवस्था में हैं। चांडाल दोष ने आपको काफ़ी परेशान किया हुआ है, परंतु जब अक्टूबर में राहु राशि परिवर्तन करके मीन में चले जाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। हमने एक राहु के परिवर्तन पर वीडियो भी बनाया है, जो आप देख सकते हैं, उसमें विस्तार से हमने चर्चा की है। और दर्शकों, शनिदेव आपके भाग्य के मालिक बनते हैं। वो अभी आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में मजबूत स्थिति में हैं। इस महीने वो आपको क्या परिणाम देंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद दर्शकों, मंगल आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, जहाँ पर वो आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। केतु आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब दर्शकों, हम बात करते हैं, सबसे पहले इस महीने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसी रहने वाली है, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, शिक्षा भाव के मालिक शुक्र बनते हैं, राशि से वो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में। इस महीने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि 4-10 का शुक्र का संबंध बन रहा है, परंतु केतु आपके पंचम भाव में पिछले 1.5 साल से बने हुए हैं। इस कारण देखिए, शुक्र के कारण आपकी पढ़ाई तो अच्छी होगी, वक्री अवस्था में है, मजबूत स्थिति में है, गुरु का भी प्रभाव है और राहू का भी प्रभाव है, तो इस महीने पढ़ाई अच्छी होगी आपकी। पढ़ाई से आपको सफलता भी मिलेगी, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो अच्छा आप मार्क उसमें ला सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा केतु के कारण एक सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं आप अपनी पढ़ाई से, कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि आपके मन में रहेगी, वो परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए तो देखिए, अक्टूबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस महीने में शिक्षा अच्छी रहने वाली है, परंतु एक बात का ख्याल रखिए कि शुक्र वक्री अवस्था में है, तो फालतू की संगत से दूर रहिए, गलत संगतों में मत पड़िए। घूमने फिरने इस महीने आप ज़्यादा जाएंगे तो आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। अब दर्शकों, बात करते हैं नौकरी करने वालों की और व्यापारियों की, कि ये महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, नौकरी करने वालों की बात करें तो इस महीने में मंगल राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर देखिए गुरु का भी प्रभाव उन पर पड़ने वाला है और राहु का प्रभाव भी पड़ेगा, और सूर्य सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए महीना अच्छा है, परंतु शुरुआती 15 दिन संघर्षमय रह सकते हैं, यानी 15 सितंबर तक, लगभग 16 सितंबर तक का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्षफुल रह सकता है। यहाँ पर आपके लग्नेश भी पराक्रम भाव में है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी सी चुनौतियों का सामना आपको इस महीने करना पड़ेगा। आपकी मेहनत के अनुसार शायद आपको फल ना मिले, परंतु 17 सितंबर से आपके लिए स्थितियां काफ़ी आपके पक्ष में हो जाएगी। अच्छा लाभ आपको नौकरी में मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य का साथ शनिदेव आपको पूरा दिलाएंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में मजबूत हैं। तो निश्चित मानिए 17 सितंबर से आपके लिए समय अच्छा है, उसके बाद आप अच्छा नौकरी में एक तरह से लाभ उठा सकते हैं। इस महीने में देखिए, आपके नौकरी के बदलाव की भी संभावनाएं हैं, अगर आप चाहें तो कोई आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसी भी स्थिति बन रही है। वहीं दर्शकों, जो लोग सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। सरकार में उन्हें अच्छा मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिख रही है, क्योंकि सूर्य खुद की ही राशि में इस महीने आए हुए हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र वालों को कोई चिंता करने की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी सफलता है, परंतु 17 सितंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। वहीं दर्शकों, व्यापारियों की बात कर लेते हैं कि व्यापार इस महीने कैसा चलेगा। तो देखिए, इस महीने आपके दशम भाव के स्वामी गुरुदेव वक्री अवस्था में होने वाले, बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे के भाव का भी परिणाम देता है,
तो इस महीने आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि गुरु एक तरह से दशम भाव का भी परिणाम देंगे और एकादश का भी परिणाम देंगे, जिस कारण इस महीने व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापारियों को बड़ा मुनाफा इस महीने हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो आय भाव का मालिक सुख स्थान में बैठा हुआ है, तो इस महीने आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आय आपकी अच्छी रहेगी, इनकम के सोर्सेस भी बढ़ सकते हैं। जिनकी डेली इनकम का कार्य है, डेली रूटीन से पैसा आता है, उनके लिए भी अच्छे ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी इस महीने ले सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा, तो ज़मीन आदि भी इस महीने में आप ले सकते हैं। इसकी भी संभावनाएं काफ़ी बन रही है। व्यापारियों के लिए बात करें तो भाग्य का मालिक शनि काफ़ी मजबूत है, भाग्य का साथ दिलाएगा। साथ ही साथ आपके लग्नेश तृतीय भाव में है, तो व्यापार से जुड़ी हुई छोटी मोटी यात्राएं भी इस महीने में होने वाली है। आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होगी। तो ये महीना व्यापारियों के लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो शुक्र भी द्वितीय भाव धन भाव में मजबूत बैठे हैं, तो धन लाभ भी अच्छा होगा और व्यापार में उन्नति होगी। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, जो लोग व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए अक्टूबर तक का समय आपके लिए पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव अक्टूबर 30 तारीख को ही ख़त्म होगा सप्तम भाव से। अभी सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव चल रहा है, तो व्यापारी जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखें, किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ देखा जाए तो महीना काफ़ी अच्छा है, व्यापार में अच्छी उन्नति होगी, आप अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। अब दर्शकों बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की, कि इस महीने धनदायक स्थिति है या नहीं। देखिए इस महीने आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लिए इनकम अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मंगल का केंद्र से संबंध बन रहा है और आपके आय धन भाव के मालिक चंद्रमा बनते हैं, जो शुरुआत में ही एक तरह से चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना रहे हैं। महीने की शुरुआत में ही आपके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, तो धन की स्थिति अच्छी है, पैसे की कोई चिंता नहीं रहेगी, पैसा आपके पास अच्छा आएगा। महीने के पहले सप्ताह में अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। व्यापार तो काफ़ी अच्छा चलता दिखाई दे रहा है, नौकरी पैसा लोगों के लिए भी धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो आर्थिक स्थिति कोई विशेष चिंता नहीं है, अच्छी आपके पास पैसा आता रहेगा, आपके काम नहीं अटकेंगे, क्योंकि भाग्य के मालिक शनि अच्छी स्थिति में हैं। अब देखिए दर्शकों, कई लोगों के कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, इन गोचर से कुछ नहीं होता। तो देखिए ऐसी टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोचर का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है, परंतु आपकी कुंडली मैंने नहीं देखी है, आपकी कुंडली की दशाएं, कुंडली की ग्रह स्थितियां अलग हैं। अगर कुंडली में कोई बुरे ग्रह की दशा चल रही है तो फिर गोचर आपको कैसे प्रभावित कर पाएगा, तो आपको कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए, उसके आधार पर एक सटीक जानकारी मिल जाती है, उसके बाद आप ऐसे कमेंट करिए। अब देखिए आगे बात करते हैं हम प्रेम संबंधों की, कि इस महीने प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए प्रेम भाव के मालिक शुक्र आपकी कुंडली के द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इस महीने काफ़ी अच्छे प्रेम संबंध आपके रहने वाले हैं। एक तरह से आपकी वाणी से, आपके स्वभाव से आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आकर्षित करेंगे, दोनों के बीच अच्छा एक तरह से रिश्ता देखा जाएगा इस महीने में। आप अगर आपके प्रेम विवाह को करना चाहते हैं तो भी ये महीना काफ़ी अच्छा है, प्रेम को विवाह में परिणत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा योग बन रहा है, आपको प्रयास जरूर करना चाहिए प्रेम विवाह के लिए, ये महीना काफ़ी अच्छा है। गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है सप्तम भाव को, तो निश्चित तौर पर आपको प्रेम विवाह में सफलता मिल सकती है। देखिए केतु पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अगर कुंडली की दशाएं खराब चल रही है तो प्रेम संबंधों में आपने धोखे भी खाए होंगे पिछले समयों में, तो कुंडली की दशाओं को भी देख लीजिए, नहीं तो गोचर में तो शुक्र अच्छी स्थिति में है, इस महीने अच्छे प्रेम संबंध आपके रहने वाले हैं। अब देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सप्तमेश आपके गुरु बनते हैं विवाह भाव के मालिक, वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं, वक्री हो जाएंगे तो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जब तक राहु के साथ में हैं तो एकदम शुभ स्थिति में तो नहीं है, परंतु अक्टूबर के बाद काफ़ी शुभ स्थिति में आ जाएंगे, पर जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो अच्छे परिणाम देने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो इस महीने में आपके वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, परंतु मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली है, तो आप अपने क्रोध के कारण जीवन साथी का अपमान मत कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। गुस्से में आकर, तनाव में आकर किसी भी प्रकार की बहस मत कर लीजिए, हमेशा अपने जीवन साथी का सम्मान करिए, क्योंकि देखिए आपके जीवन साथी बहुत भावुक होते हैं, एक समझदार इंसान होते हैं, मिथुन वालों के जीवन साथी बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। गुस्सा करेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं इस महीने दे, और इसके अलावा कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। परंतु एक बात ये भी है कि जो मिथुन वाले विवाह के योग्य हैं तो इनके लिए इस महीने
कोई ना कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, परंतु अपनी लापरवाही के चलते आप वो रिश्ता हाथ से निकाल दे सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं बन रही है। तो आप इस बात का ख्याल रखिए, कोई अच्छा रिश्ता आए तो आपको उस पर विचार जरूर करना चाहिए और विवाह बंधन में आप बंध सकते हैं। अप्रैल तक वैसे भी गुरु ने आपके लिए विवाह के योग बनाए हुए हैं, तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो इस महीने आपको त्वचाजन्य रोग परेशान कर सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। जो लोगों को डायबिटीज़ है तो उनको भी खास सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र वक्री हैं, तो स्थितियाँ थोड़ी आपके लिए एक तरह से बुरी हो सकती हैं, आपको समय समय पर चेकअप कराना चाहिए। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई दिक्कतें इस महीने दिखाई दे रही है, अगर आपको कोई कमर का दर्द ज़्यादा रहता है तो थोड़ी सावधानी रखिए, और तो कोई बड़ी विशेष चिंता की बात नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान पर ध्यान रखिए। शुक्र पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, तो अगर आपको बुरी आदतें हैं जैसे शराब आदि का शौक है आपको, तो इन सब से दूर रहिए, अन्यथा इस महीने आप फिर बीमार ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन सावधानियों को आपको बरतना होगा। अब दर्शकों, बात कर लेते हैं उपाय आपको क्या करना चाहिए इस पूरे महीने में। देखिए, आपको हर रोज़ अगर कर सकें तो ठीक है, वरना बुधवार के दिन तो गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ दुर्वा अर्पित करनी चाहिए गणेश जी को, और गणेश अथर्व स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके लग्नेश बुद्ध बलवान होंगे और गणेश जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपने भाग्य शनि के उपाय भी कर लेते हैं, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति और भी हो जाएगी। तो ये ऐसा आप देख सकते हैं सितंबर की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार की रह रही है। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, कई बस स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पूरा आपको भाग्य का साथ मिलेगा। दर्शकों, एक बात का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, हमसे किसी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। आप एक तरह से एकदम सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, बारीकी से आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप इच्छा रखते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क अवश्य करिए। तो दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।